दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद एक शिकार आके बैठा हुआ यार हमारे पास। छोटा पट्ठा है, आज कबूतर खुले गए थे शाम में तो अभी आके बैठा। ये रहा, ये देखें, ये रहा, बहुत तेज़ है यार, छोटा सा है अभी। दाना निकालते हैं, इसको पकड़ते हैं अभी। आ किधर गया? ये रहा, ये रहा, ये रहा। अपने वाले चिट्टे लाल बन बड़ा है ना अपने वालों से? कौन सा, ये वाला है? ये ओह ये रहा है ना दोस्तों, ये रहा। छोटा सा पट्टा है लेकिन भूखा हुआ है। अपने वाले दो किधर हैं? अपने वाला एक ये रहा और दूसरा अपना काला लाल बन किधर गया? अपना दूसरा ये रहा है। अपने दोनों पट्टे हैं, ये रहा एक अपना वाला, ये अपने और नया वाला ये रहा चिट्टा लाल बन पट्टा है। हे यार बड़ा प्यारा, तेज है बहुत। इसको दोस्तों अभी पकड़ते हैं। हाँ ओए ये आ गई, सबको डराएगी। चल बेटा वापसी 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 वापसी, सारे नए खुले चलो। ए इसको पकड़ो अपनी बिल्ली को। चलो दोस्तों बिल्ली को वापसी छोड़ दिया नीचे। पकड़ रहे हो? चलो पकड़ो। किधर गया? ये रहा, ये रहा, ये रहा। दोस्तों चलता किस तरह, ये देखें, ये कबूतर भूखा हुआ है लेकिन साइज बड़ा प्यारा है कबूतर का। छोटा सा पट्टा है दोस्तों भी। सबर करो कैमरे के आगे आगे। ये बड़ा प्यारा है यार, बड़ा हसीन कबूतर है। किसका है दोस्तों? साथ वाले का कबूतर है। ये बड़ा प्यारा, दिखाओ एक दफा भाई जरा सी। चिट्टा लाल बंद है ना? हाँ दोस्तों। दोस्तों ये था भाई आज का शिकार हमारा, जो पकड़ा हमने। छोटा सा पट्टा है लेकिन है बड़ा प्यारा। कितना तेज है ये? कौन सी गली है? जीरो गली का है दोस्तों? अभी जीरो गली का पट्टा है। एक मेरा वाला ही है, मैं आपको अपने वाले दिखा देता हूँ सारे। मेरे पट्टे किधर गए? एक तो सारे साथ थे ना पट्टे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा अपना वाला कौन सा कौन सा। एक ये रहा अपना वाला छोटा, उसके साथ एक दूसरा चिट्टा भी बाहर होगा। खैर छोड़ो, पकड़ तो लिया, अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अपने वाले सारे कबूतर। ये अपना वाला देखें, एक ये रहा छोटा सा। ये सीज़न है भाई, ये कह रहा हूँ ये शौक है अपना अगले सीज़न की तैयारी के लिए। देख लें इसमें खाल कटारदार भी अपने पास आ गया एक, बाकी सारे अपने पास खुले हैं। वेदर के साथ प्यारा हो रहा है कराची का यार। सारी पलटन ये अपना चिट्टा लाल बन। चले दोस्तों इसमें रंगीन कबूतर डालने हैं एक दो, जो कबूतरों की ना खूबसूरती में और इजाफा कर दें। जैसे ये गुलियर आ गया अपने पास, माशाल्लाह अच्छा कबूतर, इस तरह के और कबूतर डाल लें। और इसमें मज़ीद इंशाल्लाह देसी कबूतर जो हैं वो मज़ीद और ऐड करेंगे हम इसमें। कबूतर तो अभी भी माशाल्लाह बहुत हैं लेकिन और मज़ीद ऐड करेंगे। लाल बन खा गया ना अच्छे साइज़ के। आ आ आ दोस्तों अभी आप लोगों को एक चीज़ में चेक करवाता हूँ। ये हमने लिया बाजरा। आ आ आ आ आ आ कबूतर पकड़ाना, डर रहे हैं थोड़े। देखें वरना ये कबूतर दाने पे ऐसे आते हैं ना। काफ़ी सारे दोस्त मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर रहे थे, बता रहे थे कि रेहान भाई यार हमारे कबूतर दानों के ना दानों पे इस तरह आते नहीं है, दाना नहीं खाते शौक से। भाई अगर आपका कबूतर पर झाड़ के मौसम में दाना नहीं खा रहा तो याद रखें मेरी बात, आपका कबूतर बीमार होगा, जान नहीं पकड़ेगा। आप प्लीज़ अपने कबूतरों की केयर करें, दाने पे कबूतर आपका लपकना चाहिए। मैंने काफ़ी टाइम से कबूतर खुले हुए थे, दाना पानी भी डाल दिया था, अचानक से कबूतर आ गया तो मैंने वीडियो ऑन की। तो देख लें भाई ये अपना साथ जो इंशाल्लाह अगले सीज़न की तैयारी के लिए मैंने रोका हुआ है। इसमें एक ये मेरा चिट्टा लाल बंद पट्टा है, ये वो वाला है जो जिस कबूतर को माया रे लकवा हुआ था। जितने हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्होंने देखा था इस कबूतर को, दाना भी नहीं उठा पाता था। अब माशाल्लाह देखें कैसा प्यारा हो गया, अब पता ही नहीं लगता कि इस कबूतर को लकवा था भी कभी।
ऐसा वी आई पी हो गया। बाकी अपने पास भी सारे हैं। अच्छा इसमें दो तीन नफ्ते हैं, जैसे ये नफ्ता घूम रहा है ना, तो को भाई भी कल कह रहे थे यार इन नफ्तों को भी हटा दो, तुम्हारा सास बहुत प्यारा बन गया है, ये नफ्ते ने ना थोड़ा सा शौक ख़राब किया हुआ है। मैंने भाई से भी कहा यार ये बहुत पुराने कबूतर हैं, फिर दिल लग जाता ना एक कबूतर से तो कबूतर हटाने का दिल नहीं करता, तो इनके साथ भी वही कहानी है ज़रा। और भाई तो इसका भी कह रहे थे, अपने इसका मलंग का भी भाई कह रहे थे यार इस कबूतर को भी हटा दो, ये कबूतर भी ज़रा बहुत पुराना हो गया, ये भी नफ्तों की कैटेगरी में ही आ जाता है। तो मैंने कहा नहीं यार इस कबूतर के साथ तो मोहब्बत है, इस कबूतर को मैं नहीं हटाता, चाहे जौन से कबूतर हटाने हैं हटा दो, लेकिन इस नफ्ते को तो मैं नहीं हटाता। बाकी अपने पास ये हैं, अपने पास एक ये लकवे वाला कबूतर है जो इसको हटाना है हमने। बाकी देखें माशाल्लाह सास तो हमारे पास वी आई पी हो गया है जमा। कबूतर देखें, कलियाँ देखें, अभी तक धीरे धीरे से ना गिराते जा रहे हैं पर झाड़ में, कबूतर को रोका हुआ है, उड़ा नहीं रहा बिल्कुल भी। ये देखें साथ वाले लगे पड़े हैं, बुखार। बाकी इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो में फिर इंशाल्लाह पर झाड़ के हवाले से ना कुछ ज़बरदस्त चीज़ शेयर करेंगे। मैंने सोचा था डायरेक्ट आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा पर झाड़ के हवाले से, कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाऊँगा, लेकिन आज ये कबूतर आ गया तो मैंने कहा चलो कबूतर पकड़ते हैं आज। बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल टिप्स लाएंगे, आपको इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाएंगे पर झाड़ के हवाले से, कुछ ना कुछ स्पेशल होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।